सो हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग, और मेरे साथ है हर्ष भाई, हर्ष रजत, जो कि पुश प्रोटोकॉल से हैं। पुश प्रोटोकॉल हमेशा से आप जानते हो, फेमिलियर हो, हर्ष को कई बार आपने हमारे पॉडकास्ट पे देखा भी है। काफी सारी डेवलपमेंट्स हैं पुश प्रोटोकॉल के अंदर। इनकी जो 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 लेटेस्ट जो फीचर्स हैं, जो लेटेस्ट इनके साथ जो पुश प्रोटोकॉल में जो अपडेट्स हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा हम, क्योंकि हर्ष के साथ बात करने में हमेशा मजा बहुत आता है पॉडकास्ट पे, मतलब हमेशा थोड़ा सा फन रहता है, और वो ऐसा लगता है कि यार दोस्ती यारी वाली बातें ज्यादा होती है, जुगलबंदी ज्यादा होती है। पॉडकास्ट कम होता है, वो दोस्ती का अड्डा ज्यादा होता है, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ मजा आने वाला है इस पॉडकास्ट में, आप इंजॉय करोगे। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, वैसे तो आप सबने हर्ष की जर्नी को हमारे चैनल पर अगर आप रहते हो तो देखिए पहले भी सुना है, लेकिन एक छोटा सा जो नए लिसनर्स हैं, नई ऑडियंस है, कि हर्ष ने कैसे अलाहाबाद से अपनी जर्नी शुरू करी और पुश प्रोटोकॉल तक की जो ये जो सफर है, इसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट? और ओवरऑल वेब थ्री के अंदर क्या लेटेस्ट ट्रेंड आने वाला है, जो 2024 का नरेटिव क्या है। मसारी की रिपोर्ट आती है ना, आप देख पढ़ते हो कि 2024 में क्या होगा, 2025 में क्या होगा, वो नरेटिव इनको पहले से पता होता है। ये नहीं कह रहा कि मसारी इनसे पूछता है, बट इनको पता होता है, आइडिया रहता है, इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। और IBW में ऐसा कोई पैनल नहीं है जिसमें हर्ष नहीं है। तो भैया ये आपके लिए पॉडकास्ट, बने रहना, 15 मिनट के अंदर अंदर बता देंगे 2024 का नरेटिव, ठीक है? चलो, सो हर्ष भाई, कैसा लग रहा है IBW में, और अपने बारे में थोड़ा सा समराइज फॉर्म में आपकी थोड़ी सी छोटी सी जर्नी, एक क्विक फॉर्म। श्योर भाई, तो पहली बात, हमेशा अच्छा लगता है आपके साथ इंटरव्यू करके, इंटरव्यू नहीं रहता है। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी इलाहाबाद से, एक छोटा सा शहर यूपी का, और एक इंटरनेट कनेक्शन से, और एक आइडिया से। आइडिया ये था कि सारी छोटा शहर तो नहीं है, और अब वो प्रयागराज, करेक्ट करेक्ट। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी प्रयागराज से, एंड हम लोग का ये था कि जब भी हम लोग यूज करते थे वेब थ्री एप्स, तो हम लोग ने देखा था कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। एंड नोटिफिकेशन इतना इम्पोर्टेंट चीज थी उस समय, क्योंकि जब भी मैं उठता था, मैं फोन पे देखता था कि क्या नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कौन से ऐप से। तो वो एक आइडिया था, एंड इलाहाबाद शहर से मुझे लगा कि वो आइडिया शायद से हो चुका होगा, पर तब भी मैंने हिम्मत करके वो आइडिया डाला था ट्विटर पे, मैंने डाला था एथेरियम फाउंडेशन पे, एंड वहां से पुश का स्टार्ट हुआ। वो स्टार्ट में मेरे पास कुछ बहुत ही अच्छे लोग थे जो मुझे रीच आउट करके बोले कि चलो तुम्हारे आइडिया को डिस्कस करते हैं। कासिम भाई थे, इसीलिए बात हो रही है। हम लोग की दोस्ती की स्टार्ट थी, तो वही था, वहां से स्टार्ट हुआ पुश, वहां से स्टार्ट हुई हम लोग की जर्नी। अमेजिंग लाइफ लाइन है। अगर आप देखो ना, मोबाइल फोन आपके हाथ में, अगर उसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आएगी, इमेजिन करो ना, फोन बिना नोटिफिकेशन के डेड पीस है यार। एक्चुअली में आपका मोबाइल फोन, आपकी वेब जो है ना, वो डेड है अगर नोटिफिकेशन नहीं। वेब जो है जिंदा ही इसलिए लगता है क्योंकि नोटिफिकेशन है। आदमी जिंदा होता है कि मरा हुआ होता है, उसका पता कैसे लगता है? हार्ट बीट ना, हार्ट बीट क्या है, नोटिफाई करती है कि आदमी जिंदा है। सिमिलरली आपकी जो डिवाइस है वो डेड पीस तो नहीं है, तो उसको नोटिफाई जब नोटिफिकेशन आती है टन, तो लगता है हाँ बैटरी भी ठीक है, फोन भी ठीक है। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट, अगर वेब3 की दुनिया बड़ी होने वाली है, इसमें डैप्स का एक अंबार होने वाला है। आप देखते हो कि हजारों डैप्स आएंगी, वेब3 बड़ा होगा, फ्यूचर का इंटरनेट अगर वेब3 है, अरे वो इतनी सारी एप्लीकेशंस के ऊपर नोटिफिकेशन कैसे आएगी? सब कुछ डिसेंट्रलाइज है, तो कोई एक सर्वर थोड़ी ना सेंट्रलाइज जो कहेगा इस वाले पे ये नोटिफिकेशन भेजो, इस वाले पे ये नहीं। नोटिफिकेशन भी तो डिसेंट्रलाइज होंगे, उस पे ये एग्जैक्टली काम कर रहा है। बट वहां तक जर्नी रुकी नहीं है, ये तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लेटेस्ट ही समझना चाहते हैं कि आप अब इस स्टेज में, क्योंकि पुश प्रोटोकॉल को काफी समय हो गया, हम जिस स्टेज पे अभी हैं, जो हमारा ओरिजिनल विजन था, हम उसी राह पे हैं या हमारी कुछ और एडिशंस हुई हैं, और हम अभी किस स्टेज में पहुंच गए और हमारी क्या क्या चीजें हो चुकी? बिल्कुल भाई, सो ओरिजिनल विजन तो हम लोग का था कि नोटिफिकेशन पहले बहुत जरूरी है कवर कर लिया आने के लिए,
फिर हम लोग ने पूछा कि नोटिफिकेशन के बाद क्या क्या चीजें, उस नोटिफिकेशन का अडॉप्शन मिला तो मैं थोड़ा सा वहां पे बिल्कुल यार नोटिफिकेशन का अडॉप्शन तो मैं नंबर्स से बता देता हूँ। तो अभी तक हम लोग ने कुछ 55 मिलियन नोटिफिकेशन भेजी हैं और हम लोग को यूज करते हुए प्रोटोकॉल्स ने 55 मिलियन नोटिफिकेशन भेजी हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स यूनिस्वैप, पॉलीगॉन। यूनिस्वैप पे नोटिफिकेशन कैसे मिलता है? बेसिकली अगर मैं यूनिस्वैप पे हूँ तो मतलब और मैंने नोटिफिकेशन सब्सक्राइब किया तो कैसे काम करता है? ठीक है, तो मतलब ऐसे समझो जैसे यूनिस्वैप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, एक प्रोटोकॉल है, एंड तुम अगर उस पर जा रहे हो तो तुम्हारा कोई यूजर नेम नहीं है, तुम वॉलेट एड्रेस से जा रहे हो उस पर, तो तुम्हारा वॉलेट एड्रेस वेब थ्री का यूजर नेम है। अब पुश क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन हो, चैट हो, कोई भी कम्युनिकेशन हो, वो एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको यूज करके यूनिस्वैप तुम्हारे वॉलेट एड्रेस को बोल सकता है कि तुम्हारा एलपी पूल फी नहीं भर रहा है या फी तुम्हारी नहीं हो रही है क्योंकि एलपी पूल से तुम हट चुके हो, तो शायद से तुम वापस आके अगर एलपी पूल में भरना चाहो तो वो कर सकते हो। यूनिस्वैप और भी चीजें कर सकते हैं पर अभी ये नोटिफिकेशन यूनिस्वैप देता है। पॉलीगॉन का जैसे पॉलीगॉन ब्रिज है तो L2 से L1 का जब तुम्हारा चैलेंज कंप्लीट हो जाता है तो तुम्हें डायरेक्ट वॉलेट पे नोटिफिकेशन आ जाती है कि तुम्हारा चैलेंज कंप्लीट हो गया है। देन शेप शिफ्ट है तो वो एक डाओ है, वो प्रपोजल्स जैसे आते हैं तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन आती है कि ये इंपॉर्टेंट प्रपोजल है, तुम्हें वोट करना चाहिए। तो कोई भी चीज हो, डीफाई हो, डाओ हो, इवन सोशल हो या कोई भी चीज हो, नोटिफिकेशन ऐसी चीज है जो तुम्हारे ऑडियंस को एंगेज करती है और क्योंकि तुम्हारा वॉलेट एड्रेस है तो पुश के बिना तुम वो कर नहीं सकते। सो आई थिंक यू गाइस वर द फर्स्ट मूवर्स पुश नोटिफिकेशन के अंदर, उसमें जाके आप लोगों ने फोड़ दिया, 55 मिलियन यूजर्स ले आए। पर जब मैं शायद नोटिफिकेशन 150,000 सब्सक्राइबर्स, 150,000 सब्सक्राइबर्स और 50 मिलियन प्लस यूजर्स ले आए, पर मैं पिछली बार, मेरे को याद नहीं कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर मैंने देखा कि आप एक डेमो दे रहे थे कि आपने एक लाइव वीडियो चैट करी पुश के थ्रू, एक बंदे का वॉलेट है, दूसरे बंदे का वॉलेट है और वो दोनों वॉलेट टू वॉलेट वीडियो चैट कर पा रहे थे और उसी समय यू गाइस रिवील्ड कि वी आर एक्सपेंडिंग आवर विजन, हम सिर्फ और सिर्फ पुश नोटिफिकेशन नहीं भेजना चाहते, हम वेब थ्री की कम्युनिकेशन लेयर बनाना चाहते हैं, करेक्ट, राइट। उसके अंदर वीडियो कॉल भी होंगे, SMS भी होंगे, पूरा सोशल नेटवर्क का जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है नोटिफिकेशन का, मैसेजिंग का, वीडियो कॉल का और भी शॉर्ट्स बनाने का, वो सब कुछ पुश नोटिफिकेशन, पुश प्रोटोकॉल और पुश नेटवर्क के थ्रू जाएगा। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो विजन क्या है कम्युनिकेशन लेयर का और उसके ऊपर आपने क्या क्या, उसके बाद क्या क्या बनाया पुश नोटिफिकेशन के बाद उसको साकार करने के लिए? मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ, जो कम्युनिकेशन लेयर की बात हो रही है, वो वेब कौन कैसा होगा जिसमें हमारे जो एग्जिस्टिंग फोन नंबर्स हैं, क्या ये फोन नंबर्स रिप्लेस हो जाएंगे ईथ डोमेन से, यू नो मे बी 8945692.eth करके होगा, क्या क्या कम्युनिकेशन उस टाइम का फोन कैसा होगा, मतलब वेब थ्री में कम्युनिकेट कैसे करेंगे लोग, अगर वीडियो चैट कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज मैसेज कर सकते हैं तो डिसेंट्रलाइज तरीके से एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, तो उसमें तो ये वाले फोन नंबर तो चलेंगे नहीं, तो क्या उस पर भी सोचा है कभी कि टीम, जब टीम बात करती है आपस में बैठते हो, थिंक टैंक आपका बैठता है तो करते हो उस पर कोई बात ऐसे? करेक्ट, सो बेसिकली मैं सारी रिपोर्ट 2030 की बात करते हैं हम लोग जो इनसे पूछ के बनाई जाती है तो भाई मतलब हम लोग काफी टेलीकॉम कंपनी से बात कर रहे हैं, इनफैक्ट अच्छा, तो सही निकली ये बात, हाँ इनफैक्ट मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ देखिए, मतलब आप फ्यूचर अगर समझिएगा कि टेलीकॉम का भी फ्यूचर काफी डिसेंट्रलाइज नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, कितनी सारी चीज हो सकती है। इनफैक्ट अभी एक पैनल हुआ था उसमें मतलब कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से मैं बोल नहीं पाया था, बट मुझे भी उस पैनल पे बुलाया गया था, मारिया या मारियो करके है तो उसका पैनल होता है, लाइक लार्जेस्ट ट्विटर स्पेस होती है, तो उधर बेसिकली वही बात हो रही थी कि टेलीकॉम कंपनीज का फ्यूचर वेब थ्री में क्या है, एंड बहुत ज्यादा फ्यूचर की चीजें, पर कुछ चीजें जो मतलब यूजर्स के लिए एक्साइटिंग है वो समझ लीजिए, जैसे आपका डेटा खत्म हो रहा है, राइट, तो अभी आपको डेटा लेना पड़ता है मंथली उस पर, बट कितना अमेजिंग होगा कि अगर आपका डेटा एक NFT है एंड प्रणव आया और आपने थोड़ा सा पार्ट ऑफ द डेटा प्रणव को दे दिया जस्ट बिकॉज वो दोस्त है,
कितना कूल हो सकता है कि आपका फोन नंबर के जो मिनट्स हैं आपने वो ट्रांसफर कर दिए। फिर उसके बाद आप ये सोचिए कि ये जो नेटवर्क ही है पूरा टेलीकॉम का, ये एयरटेल का अलग है, वोडाफोन का अलग है, पर कितना कूल हो जाएगा अगर एक नेटवर्क है एंड आप उस पे स्टेक करके अपना पोर्शन दे रहे हैं, तो किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर डुप्लीकेट ही नहीं करना पड़ेगा, तो आपकी चीजें और ज्यादा गांव में फैल सकती है। एंड यूएस में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वेराइजन ले लो या एटीएनटी ले लीजिए, कुछ पार्ट ऑफ द कंट्री में कहीं पे वेराइजन का नेटवर्क आएगा, कभी कभी एटीएनटी का आएगा, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आप आगे अगर सोचने जाएंगे तो आपकी वेब थ्री की चीज से कितने लोग इंसेंटिवाइज हो सकते हैं। अभी कॉल आती है, कोई भी कॉल कर देता है स्पैम कॉल से, आई थिंक हम सब लोग परेशान है, बट अगर मान लीजिए आपने बोल दिया कि मुझे जो भी कॉल करेगा उसको पैसे देने हैं, आपने स्पैम ही एलिमिनेट कर दिया, तो ये फ्यूचर काफी एक्साइटिंग है। एंड ऐसा नहीं है कि हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत टेलीकॉम कंपनीज इंटरेस्टेड है, इवन इंडिया की टेलीकॉम कंपनी। अगर इंडिया में डेटा सस्ता है और इंडिया में किसी के पास एनएफटी है और वो डेटा उसके पास एक्सेसिव है और वो डेटा यूज नहीं कर पा रहा है, एंड बाय द वे हम सब अगर अपनी लाइफ में देखें हम डेटा पूरा यूज नहीं कर पा रहे इंडिया में स्पेसिफिकली, आई डोंट नो अबाउट वेस्टर्न कल्चर बट प्रणव यू विल एग्री, इंडिया में आप डेटा यूज नहीं कर पाते, वहां हमेशा एक्सेसिव डेटा होता है। इमेजिन इफ आई कैन जस्ट मोनेटाइज दैट एक्सेसिव डेटा, आई मीन इमेजिन दैट एंड हाउ कैन आई डू दैट if I'm able to transfer that data in the form of NFT कर सकते हैं, फिर आपका माइक्रो पेमेंट एनेबल हो सकता है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको अगर एक ही घंटे बात करनी है या 30 मिनट बात करनी है तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पैसा देना है। एंड टेलीकॉम कंपनीज का भी उसमें फायदा है क्योंकि फिर आप रीच को और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी रीच सीमित है कि मैं फ्री कॉल कर सकता हूँ, मेरे पास इतना जीबी का डेटा है तो जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, बट देन आप रीच बढ़ा रहे हैं, आपका डेटा है आप यूज नहीं कर रहे हैं, आपने किसी को दे दिया तो वो भी अब इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो ये मतलब काफी रेवोल्यूशनरी चीज है जो मतलब आ रही है, लेकिन पुश प्रोटोकॉल के रोड मैप पे ये सारी चीजें हैं। हाँ सो कैसे, और थोड़ा सा अगर रोड मैप को बताएं, रोड मैप में कभी हम बात नहीं करते हैं प्रोजेक्ट की, आप ही के चलो रोड मैप पे हम बात करते हैं, कैसे 2024 आने वाला है, 25 आने वाला है, 26 आने वाला है, कैसे अगले 2-3 सालों का अगर आप रोड मैप बताओ और अभी हम कहां खड़े हैं। करेक्ट, एक तो भाई जैसे रोड मैप जो है वो 2 साल का मुझे नहीं लगता कोई वेब थ्री प्रोजेक्ट बना सकता है, रोड मैप इतना डायनेमिक होता है वेब थ्री का कि 1 साल से ज्यादा का नहीं बन सकता है, एंड वो भी चेंज होता रहता है, उसमें काफी चीज ऐड होती रहती है। तो रोड मैप के लिए जैसे अभी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं एक लाइव रोड मैप टाइप ऑफ अ थिंग, क्योंकि हम लोग साल बाय साल तो रोड मैप बना ही देते हैं, बट देन वी रियलाइज कि इतने आइटम्स उसमें कंप्लीट हो चुके हैं एंड वो एक मीडियम ब्लॉग में होने से अच्छा है कि अगर एक रोड मैप एक वेबसाइट पे हो, तो दैट इज गेटिंग लॉन्च सून। बट कमिंग बैक टू रोड मैप, तो पुश जैसे स्टार्ट किया हम लोग ने, विजन था कि नोटिफिकेशन, क्योंकि मैंने देखा है, मैं एप्पल में देखा है, मतलब 2011-12 में मैं एप्पल के साथ ही काम कर रहा था, मोबाइल एप्स एंड गेम्स पे ही काम कर रहे थे, तो वहां पे मैंने देखा है कि नोटिफिकेशन आया एंड उसने पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। पहले हम लोग जाते थे कोई वेबसाइट पे, देखते थे चीज क्या हो रही है, उसकी वजह से इंटरनेट स्केलेबल नहीं था, क्योंकि आप 5 वेबसाइट याद रखोगे, आप 10 वेबसाइट याद रखोगे, आप 100 नहीं कर सकते हो, बट जब मोबाइल फोन आया उस पर एप्स आई तो इम्पॉसिबल हो गया कि आप एप्स पे जाके सोच रहे हो कि अच्छा ये मैंने ऐप पे किया था या ये मैंने किया था। एप्पल ने वो नोटिफिकेशन से पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया कि
ऐप तुम्हें नोटिफिकेशन भेजेंगे और तुम्हें बताएंगे ये इम्पोर्टेंट हो रहा है, तुम्हारा अमेजोन डिलीवरी आ रहा है, काशिप भाई का ट्वीट वायरल हो रहा है, जाके लाइक करो, या कोई गेम है जो तुम खेल रहे हो तो उसमें तुम्हारा कैरेक्टर अपडेट हो रहा है। तो वो वहां से कम्युनिकेशन की जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद क्या हुआ, व्हाट्सएप आया। व्हाट्सएप ने बोला कि नोटिफिकेशन सही है, इंगेज करेगी, बट सोशलाइज करने के लिए चैट भी आती है, तो हम लोग चैट स्टार्ट कर देते हैं। तो व्हाट्सएप भी नोटिफिकेशन को लेके फिर उसके ऊपर चैट बनाया। उसके बाद एप्पल ने बोला कि यार नोटिफिकेशन से लोग इंक्लूसिव है, हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो क्यों नहीं नोटिफिकेशन से उनको बोला जाए कि तुम्हें कोई फेस टाइम कर रहा है। तो एप्पल ने वीडियो बनाया नोटिफिकेशन नीचे रख के, एंड ये सारी चीज वैसे ही चल रही है, लाइक सारी चीज में नोटिफिकेशन पहले नीचे रहेगी, फिर आपका सोशल लेयर या कोई रियल टाइम कम्युनिकेशन लेयर ऊपर बनेगा। वहां पे मतलब पुश का यही आया कि एक बार नोटिफिकेशन हो गई, हम लोग की नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश हो गई, कुछ 700 प्रोटोकॉल हम लोग को यूज करते हैं अभी एथेरियम पॉलीगॉन बीएनबी चेन पे, एंड बाकी चेन पे अभी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो उसके बाद क्या, सो ऑब्वियस आंसर था कि उसके बाद हम लोग को चैट करनी चाहिए, बट चैट ऐसी नहीं कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप, चैट ऐसी जिसमें वेब थ्री नेटिव फंक्शन हो। तो जैसे हम लोग ने पुश चैट किया तो उसमें हम लोग ने ग्रुप चैट लॉन्च की, ग्रुप चैट वॉलेट टू वॉलेट की चैट, बट वो ग्रुप चैट टोकन गेट भी हो सकती है, एनएफटी गेट भी हो सकती है। तो कोई भी आपकी कम्युनिटी है राइट, जैसे लेट्स से बिटकॉइन कम्युनिटी है, अगर बिटकॉइन कम्युनिटी एक ग्रुप चैट बनाती है और उसमें बोलती है कि आपके पास, क्योंकि एथेरियम पे बना रहे हैं तो WBTC है अगर आपके पास, तभी आप ये चैट पे आ सकते हैं, एंड अगर आपके पास थोड़ा सा ज्यादा WBTC है तो आप चैट पे मैसेज भेज सकते हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन आपने क्या किया, आपने एक बहुत अच्छी गेम थ्योरी बना ली जहां पे जो बिटकॉइन होल्डर्स हैं वही बात कर रहे हैं, एंड जिनके पास सबसे ज्यादा स्किन इन द गेम है वो बात कर रहे हैं। तो वो मतलब बहुत ही अमेजिंग क्रिएटिविटी अनलॉक हुई, और वो डाओ पे भी जा सकती है, एनएफटी पे भी जा सकती है, एंड ऐसा नहीं है कि केवल आप टोकन से कर सकते हैं, वो एनएफटी से कर सकते हैं, पोआप से कर सकते हैं, और कस्टम एंड पॉइंट भी लगा सकते हैं जो अनस्टॉपेबल हम लोग के साथ कर रहे हैं, अनस्टॉपेबल का नोटिफिकेशन और ग्रुप चैट वी पावर। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग कम्युनिटी बन सकती है। क्या होता है ना, अभी आजकल क्या होता है कि टेलीग्राम पे लोग कम्युनिटी बनाते हैं, although they use telegram bots to like you know get rid of the spams, par kisi ke paas $2 ka bhi hoga to bhi wo aapko gaali deta hai ki yaar mere $2 ko ye wo aur 10 baatein karta hai uske upar, aur jiske paas bahut paise ho matlab the person who has more skin in the game he is like a little overwhelmed ki 10,000 chats ho rahi, 20,000 chat ho rahi har 2 ghante ke andar, तो हाउ मैं कैसे कीप अप करूं चीजों के ऊपर, और जो इम्पोर्टेंट लोग हैं जो इकोसिस्टम के अंदर वो कहां बात कर रहे हैं, वो किधर हो रही है, वो वाली बात मैं कहां से समझूं। द फेलो फॉर एग्जांपल टोकन होल्डर्स ऑफ सम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जिनको एक साथ मिलके कोई कोहोर्ट से बात करनी है वो कैसे करेंगे राइट। सो ये बहुत अच्छा आई थिंक लाइक यू नो यूज केस जो आपने बताया पुष्का का हुई है कि एक चैट पे ले आए जिसके पास जितना इंसेंटिव है उस हिसाब से क्या जरूरत है वेब टू में, चैट तो चल ही रही है ना, व्हाट इज द नीड। सो दीज आर द यूज केसेस व्हिच मेक अस बिलीव दैट यू नो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कमिंग एंड गोइंग फर्दर अलॉन्ग। तो बहुत सारे ऐसे यूज केसेस आएंगे, पर वो सब कुछ जो वेब थ्री सोशल है उसके तरफ इल्यूड होंगे। और कल हमने एक लाइक यू नो वी टुक एन इंटरव्यू ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट वेब थ्री वीसीज जिन्होंने कंसेंसस से छोड़ के इथेरियल लाइक यू नो दैट दे लॉन्च्ड, एंड दे सेड कि 2024 का वन ऑफ द बिगेस्ट नैरेटिव्स इज वेब थ्री सोशल्स। सो गिवन दैट अभी हमने जो डिस्कस किया है कि पुश विल बी द कम्युनिकेशन लेयर ऑफ वेब थ्री, और कम्युनिकेशन के बिना सोशल चलता नहीं है, तो ये पुश और ये जो वेब थ्री सोशल है उसका कैसा मिलाप है, और उस तरफ आप क्या काम कर रहे हो, एंड लाइक यू नो डिफरेंट एग्जांपल्स लेते हुए इफ यू कैन एक्सप्लेन लेंस के साथ क्या काम कर रहे हो, फारकास्टर के साथ क्या काम कर रहे हो, और ये लैंडस्केप कैसा होगा इन द फ्यूचर फॉर पुश। करेक्ट। तो यार सोशल अगर देखोगे, कोई भी सोशल तुम ले लो, वेब टू से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग, ट्विटर पे जाते हैं हम लोग, ट्वीट कर लिए हम लोग वापस आ गए, ट्विटर क्या करेगा, हम लोग को थोड़ी देर में नोटिफिकेशन भेजेगा कि काशिप भाई हैज लाइक योर ट्वीट और समवन हैज रीपोस्टेड।
हाँ, मेरा ऑफ कोर्स वहां पे तो मैं तुरंत जाके कोड को ट्वीट करता हूँ। तो ये ट्विटर का है, लिंक्डइन का है, सारी चीजों का। काशी भाई को म्यूट कर दिया आपने, बता रखा था झूठ क्यों बोल रहे भाई के ट्विटर। मैं काशी भाई को म्यूट करूंगा यार, ये खत्म करो, हो गया, टाटा गुड बाय। नहीं मैं दिखा देता हूँ प्रूफ ऑफ ट्वीट। चलो आई ट्रस्ट यू। तो बेसिकली मतलब सोशल पे अगर आओगे तो अगेन रियलाइज की क्या हो रहा है, नोटिफिकेशन से सोशल पूरा चलता है, उसके बाद जो तुम्हारा सोशलाइजिंग है वो चैट से होती है, ट्विटर डीएम्स या व्हाटएवर। सेम थिंग वेब थ्री सोशल में चीज है कि अगर नोटिफिकेशन नहीं है तो री एंगेजमेंट नहीं होगा। सो नोटिफिकेशन री एंगेजमेंट से चलती है, लेंस जैसे नोटिफिकेशन पुश पूरा पावर करता है जब भी कमेंट लाइक होता है। एंड अगर चैट पे आओगे तो मतलब द नेक्स्ट थिंग टू चैट इज कि एवोल्यूशन की कम्युनिटी बनती है, एंड वो कम्युनिटी जैसे ग्रुप चैट से बनती है वो पुश के अलावा किसी के पास अभी है नहीं। सो दैट्स व्हाई लाइक ग्रुप चैट जो भी लेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर आइदर बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ इट एंड देयर और दे हैव ऑलरेडी बिल्ड। सो जैसे सोशली हो गया और भी जैसे ग्रुप चैट एंड स्पेसेस भी पुश का लाने का ट्राई कर रहे हैं। तो अ लॉट ऑफ प्लेयर्स आर वर्किंग इन मेकिंग श्योर कि वो आ रहे हैं। फायरकास्टर की जैसे बात कर रहे हैं तो फायरकास्टर अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी वो वेब टू ही चैट्स पे हैं, बट दे आर एक्सप्लोरिंग। हाँ लाइक इनफ दी गुड फुल डिसेंट्रलाइजेशन, इनफ डिसेंट, इनफ डिसेंट्रलाइजेशन, दे आर एक्सप्लोरिंग। तो और कोई सोशल जिसके यार टेक डॉट फ्रेंड्स है, फ्रेंड डॉट फ्रेंड डॉट टेक, जहां पे लोग ओनली फैंस ऑफ वेब 3 बना दिया है जो हाँ, जहाँ पे लोग बस नहीं <भी। laughs> पर अगर अब मेरी कीज किसी को खरीदनी है तो हाँ ट्वीट कर देना डीएम में या पोस्ट चैट पे भेज देना। सो दैट्स वेयर लाइक यू नो जो ये नैरेटिव है उसके साथ एक बहुत मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर यूज केस हो सकता है पुश का। अब मेरा एक टफ क्वेश्चन इसी को लेके, पुश हैज बीन अ मतलब वो नोटिफिकेशन और सोशल तब से बना रहा है जब वेब 3 सोशल इतना पॉपुलर नहीं था, इट वॉज नॉट अ बिग थिंग, राइट? इट्स अ लेगेसी प्रोजेक्ट जिसमें बहुत सारे जैसे 55 मिलियन नोटिफिकेशंस भेजे हैं, यूनिसॉप और इन सब लोगों के साथ काम करता है। बट अभी हम देख रहे हैं कि कुछ कॉम्पिटिटर जैसे मैं बात करना चाहूंगा XMTP की, वो अभी अभी मार्केट में आए और वो वही अपने अमेरिकन तरीके से लाइक यू नो एक बड़ी कंपनी से फंडिंग उठाई है, बहुत सारा पुश कर रहे हैं, एटलीस्ट जहां तक मुझे दिखता है वो मार्केटिंग की तरफ प्रोडक्टाइजेशन की तरफ पुश कर रहे हैं बहुत ज्यादा। उनका SDK लोग बोलते हैं ठीक ठाक अच्छे से बना हुआ है, विच कैन बी यूज वेरी प्रॉपरली, बट पुश हैज बीन अ लेगेसी प्रोजेक्ट, राइट? तो बेसिकली व्हाट इज दैट कॉम्पिटिशन यू आर फेसिंग गिवन दैट यू हैव बीन द लेगेसी एंड द फर्स्ट प्लेयर इन द मार्केट, और कैसे आप क्या आपके व्यूज हैं XMTP को लेकर बिना कोई पॉलिटिकल करेक्टनेस के, बताओ। बिना कोई पॉलिटिकल करेक्टनेस यार सी जैसे एक चीज है, जैसे वो लोग हैं मैंने उनसे मिला लाइक यू नो इफ आई मीट देम ऑलवेज दे आर ऑलवेज क्रिटिकल ऑफ पुश के टेक को लेके, और उनको लगता है हैकेथॉन प्रोजेक्ट है जिसको बहुत लोग यूज नहीं करते एंड स्टफ लाइक दैट। सो आपका क्या मानना है इसको लेके? गॉट इट। तो यार वो उनकी थिंकिंग है, लाइक कमिंग बाय द नंबर्स एंड कमिंग बाय द शेयर अमाउंट ऑफ प्रोटोकॉल्स, पुश लाइक राइट नाउ नोटिफिकेशन पे तो कोई और नहीं है, लाइक इवन अगर XMTP क्लेम भी कर रहा है तो दे आर सेइंग कि चैट इज अ फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन। यार वो होता तो एप्पल या गूगल अपना नोटिफिकेशन नहीं बनाता, चैट पे ही रहता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक अगर चैट पे बात करें तो दे आर अ वेरी गुड कॉम्पिटिटर फॉर अस, एंड आई सी दिस एज अ वेरी गुड न्यूज, बिकॉज जब भी कोई कॉम्पिटिटर आ रहा है स्पेस में एंड वो बोल रहे हैं कि और अच्छी फंडिंग US से लेके आ रहे हैं, तो मतलब यू ऑलरेडी नो कि वो प्रॉब्लम थी, तुमने आइडेंटिफाई कर दी, अब लोग आ रहे हैं बिकॉज दे नो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी है, एंड जैसे हाँ वैलिडेशन, प्रॉब्लम वैलिडेशन, प्लस ऑल्सो जैसे भाई एथीरियम है लाइक वी आर एथीरियम मैक्सिस, बट सोलाना है तो सोलाना के भी मैक्सिस है, एंड द थिंग इज कि सोलाना इज ऑल्सो डूइंग समथिंग यूनिक एंड एथीरियम इज ऑल्सो डूइंग समथिंग यूनिक। इन द एंड वो जो गेम थ्योरी है या इन द एंड जो चीज हम लोग ट्राई कर रहे हैं या जो चीज सोलाना ट्राई करेगा, उसमें से वो जीतेगा जिसको कम्युनिटी ज्यादा पसंद करेगी। सो इट कैन बी कि जैसे मतलब बिग प्लेयर्स आएंगे, पार्टनरशिप्स ऑफ कोर्स आएंगी,
बट जो भी कम्युनिटी ज्यादा टिल्ट होगी उधर जाएगा. देन व्हेन इट कम्स टू टेक, तो XMTP राइट नाउ ओनली डस DM, एंड उसके लिए तुम्हें उनके नेटवर्क पे होना चाहिए. पुश बेसिकली व्हाट आवर विजन वाज कि वी विल डू थिंग्स जो कि कम्युनिटी को काफी यूजफुल है. सो जैसे हम लोग टोकन गेटिंग पे गए, हम लोग हाइपर स्केलिंग ऑफ ग्रुप पे गए, तो XMTP पे अभी ग्रुप भी नहीं है. एंड देन नेटवर्क जैसे है, तो अगर तुम पुश नेटवर्क पे भी नहीं हो तब भी तुम्हें मैसेज जा सकते हैं, बट वो तुम्हारे स्पैम पे जाते हैं, तुम्हें यस करना पड़ता है, तो एंटी स्पैम. सो दीज वर द थिंग्स जो कि मतलब वी न्यू बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंस एंड नोटिफिकेशन कि ये चाहिए ही चाहिए वेब थ्री में. बट अगेन द थिंग इज कि उनकी फिलॉसफी भी यार अच्छी है. इट्स नॉट लाइक कि दे आर नॉट ट्राइंग टू क्रैक दिस प्रॉब्लम. सो मतलब मेरे हिसाब से यार XMTP हो या कोई और भी है, इट विल बी गुड फॉर द स्पेस बिकॉज कम्युनिकेशन और ग्रो करेगा. बाकी XMTP जो भी बोले यार लाइक दैट्स गुड फॉर देम. वी शुड गो बाय द नंबर्स. सो दैट्स व्हाट वी राइट. और उनका व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टेक कंपैरिजन? आप लोगों ने ओपन सोर्स कर रखी है चीजें वर्सेस, सो व्हाट टेक्निकल साइड पे अगर हम देखें तो लाइक व्हाट डू यू सी? गॉट इट. यार मतलब उनका जो भी हम लोग के पास इंफॉर्मेशन है जैसा भी है, तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन देयर टेक. लाइक आई नो कुछ फीचर्स जो वो मिसिंग थे जो हम लोग के पास थे, लाइक जो मैंने बताया कि ग्रुप चैट नहीं है, स्केलेबल ग्रुप चैट तो फिर छोड़ ही दो, टोकन गेटेड छोड़ दो, नेटवर्क पे अगर तुम नहीं हो तो मैसेज नहीं कर सकते हो, वो है. नोटिफिकेशन नहीं है. लाइक नोटिफिकेशन हम लोग का एक अलग ही मॉड्यूल है, तो जब तुम चैट कर रहे हो तो नोटिफिकेशन एज अ रीएंगेजमेंट तुम्हारे पास जा रहा है, तो वो सारी चीजें मेरे हिसाब से नहीं है. देन मतलब वीडियो नहीं है, स्पेसेस नहीं है, बिकॉज हम लोग कम्युनिकेशन लेयर होके आ रहे हैं. आई थिंक उनका ये था कि वी वॉन्ट टू सॉल्व दिस थिंग लाइक मैसेजिंग फर्स्ट, एंड उस पर वो लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं. टेक साइड पे मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ बिकॉज मैंने अंदर की रिपो नहीं देखी है, तो मैं अपनी टेक पे ही कमेंट कर सकता हूँ. सो हम लोग का ओपन सोर्स है. हाँ, हम लोग का पूरा ओपन सोर्स है. और आपको क्यों लगता है ये बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजिकली अगर आप एक ऐसा प्रोटोकॉल बना रहे हो तो ओपन सोर्स हो? यार कपल ऑफ रीजंस. ए, तुम अपने प्रॉफिट के लिए चीज नहीं बना रहे हो, मतलब तुम प्रोटोकॉल बना रहे हो क्योंकि वो प्रोटोकॉल को लेके कोई दूसरा भी चीजें ट्राई कर पाए. इन द एंड वेब थ्री उस पर बनाए. वेब थ्री ये नहीं बनाए कि तुम एक कंपनी बना रहे हो, तुम एक प्रोटोकॉल बना रहे हो, वो प्रोटोकॉल पे डिफरेंट चीजें ट्राई होंगी. इन द एंड जिसकी गेम थ्योरी अच्छी वो जीत जाएगा. सो यूनिस्वैप है, सुशी स्वैप भी है, यूनिस्वैप को ही फोक करके बना हुआ. बट अगेन अगर उनका थ्योरी अच्छा है तो वो लोग भी आगे आएंगे, Uniswap फिर उसको adopt करेगा, तो you are growing with that innovation. That is something which we thought open source से बहुत ही अच्छा हो जाता है. Right. EPNS is excited to announce that we are now Push Protocol. We launched EPNS in 2020 with the backing of Web3's leading developers, investors, and builders. To date, we have powered the world's largest notification network on Ethereum. Now, EPNS is evolving beyond Ethereum and beyond push notifications. Introducing Push Protocol, the multi-chain communication stack for Web3. Push is building a suite of products to enable notifications, chat, ads, streaming, and more. The Push token is the critical piece of the Push protocol, securing, governing, and incentivizing all ecosystem participants. Push protocol is the missing piece of Web3. Found. Join us at push.org. So Push, एक और उसके अंदर ये था कि हम 2018-19 के अंदर शायद विटालिक ने बात की थी कि अगर आप एक डैप बना रहे हो तो वो डैप डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन तभी होता है जब उस डैप के अंदर हर चीज डिसेंट्रलाइज्ड हो, सब कुछ Web3 स्टैक का यूज किया हुआ और वो डिसेंट्रलाइज्ड हो. एंड एज ऑफ राइट नाउ आई थिंक कि जो पुश का जो चीज है, इट्स द ओपन नोड जिसके कारण नोटिफिकेशन मिलते हैं, पर जो नोड है वो सिर्फ पुश ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, राइट? So, उसको डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए क्या आप नेटवर्क बनाओगे? जैसे द ग्राफ नेटवर्क है जिसके अंदर हम जो इंडेक्सिंग करते हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के थ्रू करते हैं. सो बेसिकली भाई मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो वाला पार्ट आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, तो Web3 स्टैक पार्ट जिसके अंदर Web3 की तरीके से ओपन तो सोर्स कर दिया, उसके बाद उसको डिसेंट्रलाइज कैसे कर रहे हो आप? नोटिफिकेशन. करेक्ट. सो अमेजिंग क्वेश्चन भाई.
सो डिसेंट्रलाइजेशन की दो चीजें होती हैं. पहली चीज होती है कि कंटेंट बदलना नहीं चाहिए, इम्यूटेबल. एंड दूसरी चीज होती है कंटेंट सेंसर नहीं होना चाहिए. सो कंटेंट बदलना नहीं चाहिए, वो पुश का हमेशा स्टार्ट से था, क्योंकि जो भी तुम चैट भेज रहे हो या नोटिफिकेशन भेज रहे हो वो सब साइन करके भेज रहे हो, तो फ्रंट एंड के पास वो साइन जाता है. अगर फ्रंट एंड बोलेगा कि नहीं ये तुम्हारे वॉलेट से नहीं है, तो वो वहां से भी फिल्टर आउट हो सकता है. तो इम्यूटेबल ऑलरेडी था. एंड 2-2.5 साल से हम लोग ये सोच रहे थे कि इसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए, बिकॉज ये नियर टाइम, मतलब रियल टाइम है या नियर रियल टाइम है. तुम चैट ऐसा नहीं है कि 5 सेकंड वेट कर सकते हो या 15 सेकंड की ब्लॉग प्रोड्यूस हो रहा है तभी जा रहे. तो काइंड ऑफ लाइक जैसे डाफ भी है. तो ये 2.5 साल से जैसे वी वर्क वेरी हार्ड कि इसको कैसे करना है. एंड नाउ फाइनली वी हैव दिस अल्फा वर्जन ऑफ पुश नोट, जो कि मतलब 1-2 महीने में आ जाएगा. हम लोग मतलब एक पहले कम्युनिटी का लाइव प्रूफ ऑफ लॉन्च करने वाले हैं, विच माइट बी कि mid-December या mid-December सबकी छुट्टियां होती हैं, तो अर्ली जनवरी में. बट वॉट दिस नेटवर्क वुड बी कि लोग अपनी नोट चला सकते हैं, पुश स्टेक करेंगे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, एंड प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम है. सो नाउ आप अपनी नोट चला पाएंगे. एंड जो हम लोग की नोट है, क्योंकि ये जो भी डेटा है वो सब साइंड है, तो दूसरी नोट सिंकअप कर लेगी. एंड अगर जो भी डेटा साइन नहीं है तो दे कैन रिजेक्ट इट आउट. एंड दैट इज हाउ द नेटवर्क इज गोइंग टू कम लाइव. एंड वो जनवरी फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा. नोट चला सकते हैं लोग. और दूसरी तरफ से अगर किसी को नोटिफिकेशन चाहिए, अभी तो फ्री है, क्या पुश टोकन का यूज होगा उनको नोटिफिकेशन? करेक्ट करेक्ट. सो नोटिफिकेशन यार, अगेन ग्राफ नेटवर्क का मॉडल काफी सिमिलर है कि तुम जैसे एक नया यूजर आया ग्राफ पे, तो कुछ चीजें, कुछ इंडेक्सिंग पहले फ्री रहेंगी ग्राफ पे, उसके बाद ग्राफ बोलते हैं चार्ज करने को. पुश का भी वही है कि वी वांट ऑल द डैप्स टू यूज द नोटिफिकेशन लेयर फर्स्ट. एंड उनमें से जो डैप ग्रो हो गए कि 10 मिलियन नोटिफिकेशन भेज रही है, दे विल देन यूज कि मुझे 10 मिलियन से ज्यादा नोटिफिकेशन भेज रही है, तो आई विल डिपॉजिट पुश इन द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड देन आई विल बी एबल टू सेंड मोर. एंड ये जो पुश स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट हो रहा है या कोई और भी टोकन लाइक B3 पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो एनी स्टेबल कॉइन विल ऑल्सो बी सपोर्टेड. तो ये सारे एक फी पूल में जा रहे हैं. एंड आइडिया ये है कि जो भी क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, ये नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं, ये चैट दिखा रहे हैं. लाइक अभी मेटामास्क एक्स पुश स्टैंप आया है, तो नोटिफिकेशन वो दिखा रहे हैं. तो जो भी वॉलेट्स हैं, टोकन होल्डर्स डिसाइड करेंगे कि वो वॉलेट्स पे ये फूल फी पूल कैसे स्प्लिट हो, और टोकन होल्डर ये भी डिसाइड करेंगे कि ये जो फी पूल है उनमें कैसे स्प्लिट हो. सो इट बिकम्स लाइक अ नेटवर्क जहां पे पुश एज अ सेंट्रलाइज्ड एंटिटी की जरूरत ही नहीं है. वो मतलब आप सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, उसके लिए आपको पुश मिल रहा है, आप नोटिफिकेशन भेज रहे हैं, आप बढ़ते जा रहे हैं, या आप ग्रुप चैट कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, तो आप पुश डिपॉजिट कर रहे हैं नेटवर्क में, वो नेटवर्क में पुश डिपॉजिट हो रहा है, तो टोकन होल्डर्स इंसेंटिवाइज हैं कि नेटवर्क को बिल्कुल ठीक रखें, उनकी फीस एडजस्ट करें. एंड क्रिप्टो वॉलेट्स इंसेंटिवाइज हैं कि हम लोग जब इस फील्ड पे आ रहे हैं तो नए क्रिप्टो वॉलेट्स वो नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको एक फी पूल का पार्ट मिल रहा है. तो दैट इज हाउ एवरीथिंग इज वर्किंग. एंड मेटामास्क स्नैप से ज्यादा, आई थिंक मेटामास्क स्नैप को छोड़ के अनस्टॉपेबल भी है. वो भी पुश नोटिफिकेशन यूज कर रहे हैं पुश प्रोटोकॉल की दिखाने के लिए. देन वर्सो वॉलेट है, एंड एक दो और वॉलेट है which has already started integrating या तो notification या तो chat या तो both. Right. So, last question मेरा ये है कि governance को लेके आपका क्या take है? मतलब how, what is the ultimate vision for push protocol, और आप how do you want to keep it like as much decentralized as possible? I mean, what is the vision? I know कि आप एक you know पूरा early days it is not possible for a project to go completely decentralized because there are some decisions that needs radical changes, timely changes, you know, but what is the ultimate goal when it comes to governance? Bhai, ultimate goal is ki push as an entity like should become a core contributor to the project, but ye nahi ki hum log koi bhi decision apne aap se le rahe hain. तो जैसे ये जो V2 वर्जन आया है जिसमें फी पूल है, उसमें ऑन चेन गवर्नेंस भी आ गया है. एंड वो धीरे धीरे हम लोग वो कमांड डाओ को दे रहे हैं.
हम लोग का जो इवेंचुअल विजन है कि 4 से 6 साल में हम लोग को केवल 5% ऑफ द नेटवर्क कॉन्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए, बाकी सब वुड बी डन बाय द पब्लिक एंड वुड बी डन बाय द गवर्नेंस. अगेन आप कोई भी वेब थ्री प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको प्रोटोकॉल लेवल पे सोच रहे हैं, आपको ये नहीं सोच रहे हैं कि आपकी कंपनी है एंड आपको मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट. आपको ये सोचना है कि आप ये कंपनी दूसरों को कैसे दे सकते हो. सो पुश वो कर रहा है. आई थिंक हम लोग का गवर्नेंस का जो फेज है वो फेज 2 पे चल रहा है. वी हैव प्लान्ड लाइक 5 phases टू डिसेंट्रलाइज बिकॉज वी ऑल्सो रियलाइज कि अभी नेटवर्क इतना रैपिड चेंजेस से जा रहा है तो अभी काफी कोर चीजें नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. बट जैसे ये नेटवर्क आ रहा है तो प्रूफ ऑफ स्टेक आ रहा है, देन नोटिफिकेशन जो आ रही है वो अपने आप मैथमेटिकली वेरीफाई होके आएंगी, तो दैट इज ऑल्सो ए स्टार्ट. देन आपका जो फी पूल है वो मतलब स्टार्ट हो गया है, वो फी पूल का जो स्प्लिट है वो ऑन चेन गवर्नेंस से V3 में इंट्रोड्यूस होगा. सो अगेन दैट इज समथिंग दैट्स गोइंग ऑन. इवेंचुअली वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा प्रोटोकॉल वुड बी गवर्न्ड बाय ऑन चेन गवर्नेंस होल्डर्स. राइट, तो ये था आज का पॉडकास्ट हर्ष के साथ. आई एम श्योर के काफी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस पे. जो पुश के जो अर्ली वीडियोस हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे, जो पुश प्रोटोकॉल के जो हमने पॉडकास्ट पहले भी किए हैं काफी बार, और उसमें हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है. इनफैक्ट स्क्रीन शेयर करके प्रणव ने बहुत अच्छे से पुश प्रोटोकॉल को पूरा समझाया था. यू रिमेंबर दोस अर्ली वीडियोस, आई थिंक उसको हम डाल देंगे, उसको आप एक बार समझिए. एंड आई थिंक आज का वीडियो भी बहुत ही अमेजिंग था. थैंक यू वेरी मच हर्ष फॉर कमिंग हियर, एंड इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू कॉल यू. एंड यू नो वो हमेशा एक फन एलिमेंट रहता है. यू नो थैंक यू. एंड मैं चाहता हूँ कि मसारी की रिपोर्ट एक बार आप उसके ऊपर आपका नाम आए. हर्ष ने आपके सॉक्स के बारे में बात नहीं की गई. हाँ मेरे सॉक्स, ये एथेरियम क्यों नहीं है इसमें, केवल बिटकॉइन क्यों है? मुझे एथेरियम मुझे एथेरियम फाउंडेशन ने कभी दिया नहीं, बट कॉइन फाउंडेशन ने बिटकॉइन. अरे सतोशी तो कुछ भी दे मैं पहन लूंगा. बट या सो आई जस्ट लव वेयरिंग बिटकॉइन एवरीवेयर. आई मीन इफ आई गेट इट. So yeah, I got it at a conference. Somebody gifted me. एक ही पेयर दिया उसने. मैं बहुत ध्यान से पहनता हूँ. मैं एक एथेरियम का दे देता हूँ तो then balance हो जाएगी चीजें. You have it? नहीं. मैं ग्राफ का देता हूँ. ग्राफ का नहीं. तीन सॉक्स कैसे पहनेंगे पर? But I love it. And I hope कि podcast में cover हुआ ही. चलो. With this thought, thank you very much, guys. Thanks, Vic. EPNS is excited to announce that we are now Push Protocol. We launched EPNS in 2020 with the backing of Web3's leading developers, investors, and builders. To date, we have powered the world's largest notification network on Ethereum. Now, EPNS is evolving beyond Ethereum and beyond push notifications. Introducing Push Protocol, the multi-chain communication stack for Web3. Push is building a suite of products to enable notifications, chat, ads, streaming, and more. The Push token is the critical piece of the Push protocol, securing, governing, and incentivizing all ecosystem participants. Push protocol is the missing piece of Web3. Found. Join us at push.org.